हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गोभी और प्याज के पकोड़े। इस तरह से आप बनाइएगा पकोड़ा तो बहुत अच्छा बनता है। कई तरह के पकोड़े बनाए होंगे लेकिन इस तरह से भी बनाकर देखिएगा। तो प्याज को छोटे छोटे पीस में कट लगा लिए, गोभी को भी छोटे छोटे पीस में कट लगा लिए हैं और इसमें 4 चम्मच बेसन डाल दिए और नमक हल्दी टेस्ट अकॉर्डिंग और इसमें प्याज और लहसुन का 1/2 चम्मच इसमें पेस्ट दे दिए हैं। तो इससे बहुत अच्छा बनता है। कॉर्नफ्लावर भी दिए हैं 2 चम्मच, तो इससे कुरकुरे और बहुत टेस्टी बनेंगे पकोड़े। और थोड़ा देर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिए थे और तेल गर्म कर दिए और तेल गर्म हुआ है उसमें पकोड़े डाल दिए और देखिए कितने गोल्डन ब्राउन होके पकोड़े निकला है, बहुत अच्छा तल के निकला है। तो इस तरह से आप पकोड़े बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। आप बच्चे के स्नैक्स के टाइम भी दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं, आप चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ खाइए। इस तरह के पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका पकोड़ा किस तरह बना। आपको ये छोटा रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।